भिलाई में श्रमिकों के रेल रोको आंदोलन के दौरान 1 जुलाई 1992 को हुए गोलीकांड में 17 मजदूरों की हुई मौत की घटना के 31वीं बरसी पर शनिवार को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोलीकांड में मृत मजदूर साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पावर हाउस रेलवे स्टेशन में दिवंगत मजदूरों के परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के पश्चात अम्बेडकर चौक से रैली निकाली गई, जो नंदिनी रोड से छावनी चौक होकर ACC चौक पहुंचकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शंकर नियोगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर क्रांतिकारी गीतों के साथ सभा के रूप में परिवर्तित हुई। लोगों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जिसमें ज्यादा मांग नहीं थी, जीने लायक वेतन और जिनको निकाला गया उनको फिर से नौकरी में रखने का, इन मांगों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जिला प्रशासन ने उद्योगपतियों के इशारे पर गोली चालन किया, जिसमें 17 मजदूर हमारे शहीद हुए। उन शहीद परिवारों को लेकर आज हम पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो शहीदों के रास्ते पर चलने का जो है हम संकल्प ले रहे हैं। हमारा जो निवेदन है, केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए जो कानून था, 44 कानून बने हुए थे, कई साल लड़ने के बाद वो कानून बने, केंद्र सरकार ने उन कानूनों को ख़त्म कर दिया, मात्र 4 श्रम कोड रखा है, मतलब वो मजदूरों पर गुलामी थोपी जा रही। जो 8 घंटे का ड्यूटी का कानून था उसको 12 घंटे किया गया, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, छटनी होगी, मालिकों की दादागिरी बढ़ेगी, मजदूरों पर गुलामी थोपी जा रही। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पहले भी आंदोलन किया है और आज भी आंदोलन कर रहा है और करते रहेगा। आज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बोला जा सकता, मगर उसके लिए संघर्ष जारी है। ACC सीमेंट कंपनी जो है पक्षपात कर रही है मजदूरों में, जिनका 40,000 से तनख्वाह अधिक है उनको मेडिकल सुविधा मिल रही है, जिनका 30,000 से कम है उनकी मेडिकल सुविधा बंद की जा रही है। तो हमारा निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से कि अपने श्रम विभाग को ठीक ठाक करें, मालिकों का वो जो है वो सपोर्ट करते हैं, मजदूरों का बात नहीं सुनते हैं।